तिवारी यानी श्वेता तिवारी की बेटी को आखिरकार सोशल मीडिया पे उनके मॉम के साथ उन्हें कंपेयर किया जा रहा है, जिस वजह से पहली बार पलक तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए से जब मीडिया से बात किया तब जाके इस बात का कॉन्फर्मेशन देने के लिए इस बात पे उन्होंने अपना पहला रिएक्शन रखा है। आखिर क्या कहा है पलक तिवारी ने अपने मॉम के साथ उनके कंपैरिजन को, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पे जहां मैं आपको बताऊंगी कि पलक तिवारी ने आखिर अपने मॉम के कंपैरिजन के साथ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो के होस्ट दीप्ति विश्वाल। आपको बता दूं कि पलक तिवारी बहुत जल्दी ही अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू किसी का भाई किसी की जान के मूवी के साथ कर रही हैं, जिस बारे में जानकारी सभी को हो ही चुका है। लेकिन इससे खास बात ये निकल रहा है, जब लोग ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज श्वेता तिवारी भी इस इंडस्ट्री में है तो कहीं ना कहीं पलक तिवारी को उस वजह से काम मिल गया है, या फिर आप कह सकते हैं एक एक्ट्रेस होने के नाते अपनी माँ तो यही चाहेगी अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो मेरी बेटी को भी इस इंडस्ट्री में चांस मिल जाए, तो ऐसा कुछ है। तो पलक तिवारी ने इस पर एक रिएक्शन देते हुए कहा कि ये बात सच है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता, मेरे लिए मेरी मॉम सबसे ऊपर आती हैं और मेरी मॉम जैसा कोई हो भी नहीं सकता। मैं अपने मॉम के साथ खुद को कंपेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ना मैं उन्हें कॉम्पीट कर सकती हूँ ना मैं उनके साथ कंपेयर कर सकती हूँ, वो अपने लेवल पर बहुत बेस्ट है, मैं अगर उनकी आधी भी बन गई तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगा। और दूसरी बात, मेरी मॉम जब इस इंडस्ट्री में कदम रखी थी तब जाके लोग उन्हें जाने थे, लोग उन्हें पहचाने थे और तब जाके लोगों ने उनको प्यार दिया था, और मेरे साथ ऐसा है कि मेरा इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले ही बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं उन्हें सब मेरे सारे फॉलोअर्स को मैं अपना फ़ैन नहीं कहूँगी, क्योंकि फ़ैन वो लोग मेरे तब होंगे जब वो मेरे काम को देखेंगे और उन्होंने अभी तक मेरा काम देखा नहीं है। किसी का भाई किसी की जान में शायद पहली बार मुझे मेरे काम के साथ जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई होप लोगों के उम्मीदों पर मैं खरी उतर पाऊँ, उतने सारे फॉलोअर्स के उम्मीदों पर मैं खरी उतर पाऊँ, क्योंकि अगर मुझे किसी ने फॉलो किया है तो कोई सोच समझ के और कुछ मुझे मान के फॉलो करेगा, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी उम्मीदें पे मैं खरी उतरूँ और बराबर से मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ। इसके साथ साथ पलक तिवारी ने ये कहा कि मैंने मेरे मॉम से बहुत कुछ सीखा है, हालांकि उन्होंने टेलीविजन के शो के टेलीविजन के सेट पे थे और मैं फिल्म के सेट पे थी, लेकिन मैंने अपने मॉम से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ और मेरे अपने मॉम को प्राउड फीलिंग दिला पाऊँ, और वो तब हो सकता है जब मैं कुछ करके दिखाऊंगी तो दैट मैं अपने मॉम को खुश कर पाऊंगी। और इस बात से मुझे बहुत नर्वसनेस भी है क्योंकि मेरी मॉम को इस इंडस्ट्री का सब कुछ पता है, अगर एक नॉर्मल हाउसवाइफ कोई होती तो शायद अपने बच्चे को पहली बार टीवी पे देख के वो बेहद खुश हो जाती, लेकिन मेरी मॉम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से है तो उनको बारीकियों से पता है कि कहाँ गलती है और कहाँ नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरी मॉम मेरी शूटिंग के दौरान तो नहीं थी, लेकिन इस मूवी के रिलीज़ के दौरान ज़रूर होंगी और शायद वो मुझे बोल सकती है कि कहाँ पर मैं गलत थी और कहाँ पर नहीं। आई जस्ट होप कि मेरी मॉम को मैं प्राउड फील करा पाऊँ। और जितने लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मेरी मॉम के बदौलत मुझे मूवी मिल गया है, तो मैं बता दूं कि मेरी मॉम की वजह से मुझे कोई मूवी ऑफर नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता, और अच्छी बात है कि मुझे मेरी मॉम की वजह से कोई मूवी ऑफर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद मुझे खुद को उतनी खुशी नहीं मिलता कि मैंने खुद के दम पर कुछ नहीं किया, मेरी मॉम की बदौलत मुझे मिला है। खुशी मुझे तब होगा कि जब लोग मुझे कहेंगे कि तुम श्वेता तिवारी की बेटी नहीं, बल्कि श्वेता तिवारी को लोग कहेंगे कि आप पलक तिवारी की मॉम हैं। साथ ही पलक तिवारी ने ये कहा कि जब मुझे मेरी मॉम के साथ कंपेयर किया जाता है ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, लेकिन अगर मेरी मॉम की बात करें तो उनके लिए शायद एक बहुत बड़ी इंसल्ट है कि उनको उनकी बेटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और मेरी मॉम के साथ मेरा कभी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपने लेवल पे बेस्ट है। इसमें आपका क्या रिएक्शन और आप क्या कहना चाहोगे पलक तिवारी के स्टेटमेंट पे, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूज।